यूपी 69,000 असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट 2018, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम पर लगी रोक, 29 को ही होगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों के 69,000 पदों पर भर्ती के लिए हुई 6 जनवरी को लिखित परीक्षा का परिणाम फिलहाल घोषित नहीं हो सकेगा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 17 जनवरी को दिया गया यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया है। मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तिथि तय हो गई है, क्योंकि 22 जनवरी को शिक्षक भर्ती का परिणाम घोषित होना था। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल सदस्य पीठ ने मोहम्मद रिजवान व अन्य समेत सैकड़ों अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल कुल 33 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार व याचियों के अधिवक्ताओं के बीच लगभग 2 घंटे तक जोरदार बहस चली। सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा ने सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के हवाले से सरकार के 7 जनवरी के उस आदेश को सही बताया, जिसके तहत अनारक्षित व आरक्षित वर्ग के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 65% व 7% तय किया गया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि अध्यापक पर शिक्षा देने जैसी अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, लिहाजा इस पद पर नियुक्ति के लिए मेरिट से समझौता नहीं किया जा सकता। पिछले साल की तुलना में इस बार क्वालिफाइंग मार्क्स बढ़ाने के निर्णय का यह कहते हुए बचाव किया गया कि इस बार अभ्यर्थियों की संख्या काफी ज्यादा थी। वहीं याचिका पक्ष के अधिवक्ता की दलील थी कि ये कवायद सरकार ने न सिर्फ शिक्षा मित्रों को बाहर करने के लिए की है, कहा गया कि याचिकन शिक्षा मित्र थे जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से 2 मौके मिले हैं और इस बार उनकी आखिरी मौका है। ऐसे में लिखित परीक्षा होने के बाद क्वालिफाइंग मार्क्स तय करना पूरी तरह से असंवैधानिक है। याचिका पक्ष की ओर से कहा गया, जहाँ तक मेरिट का सवाल है, TET परीक्षा सहायक अध्यापक पद की योग्यता के लिए ही कराई जाती है।